सत श्री अकाल चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हाँ। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वेले की वड्डी खबर के नाल। कांग्रेस ते आम आदमी पार्टी इंडिया गठजोड़ तहत चोण लड़ रहे हैं, पर यह गठजोड़ पंजाब विच नहीं होया। कांग्रेस से आप चंडीगढ़, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली, गोवा च इकट्ठे चोण लड़ रहे हैं। सीटों की वंड भी तय हुई है। तो हुण पंजाब विच वखो वख चोण लड़न के फैसले कारण कांग्रेस से आपो अपने उम्मीदवार लभ रहे हैं। पंजाब विच लोक सभा दीआं 13 सीटां ने, तो अजिहे विच कांग्रेस से आप नूं भी 13 उम्मीदवार चाहिए ने। इसे नूं लैके आप की सियासी मामलों की कमेटी की अज दिल्ली च अहम मीटिंग हो जा रही है। इस विच लोक सभा चोणां लई उम्मीदवारां दे नावां बारे चर्चा की जाएगी। पंजाब विच साइबर ठगां वल्लों अलग अलग ठगी दे तरीके अपनाए जांदे ने। अजिहा एक मामला हुशियारपुर च सामने आया। हुशियारपुर दे सेंट्रल टाउन दे रहण वाले जसविंदर सिंह दी इक गड्डी जो कि उसके घर विच खड़ी सी कि लाडोवाल टोल प्लाजे ते जसविंदर सिंह दे फास्ट चैक दे 215 रुपये कट्टे गए। जसविंदर ने दस्सिया कि उसनू एक मैसेज आया जिस विच उसके फास्ट चैक विचों 215 रुपये कट्टे गए ने। किसी नू देख के उसनू हैरानी हुई। उसका कहना सी कि उसकी गड्डी घर विच ही खड़ी है, फिर उसके पैसे किस तरह कट्टे गए। जदों उसने घर च जाके देखा तो उसकी गड्डी घर खड़ी सी। इस संबंधी गल करते हुए जसविंदर ने कहा कि अजिही ठगी उन्होंने नाल पहली बारी हुई है, तो इस संबंधी वह हुशियारपुर के SSP को भी शिकायत देंगे। पंजाब सरकार वालों शुरू की गई आपदी सरकार आपदे द्वार मुहिम के तहत हलका बोहर के पिंड गिदड़ांवाली विच लोक सुविधा कैंप लगाया गया। इस मौके आम आदमी पार्टी की महिला विंग की जिला प्रधान पूजा लुथरा सचदेवा, हलका इंचार्ज अरुण नरंग, आप पार्टी के जनरल सकत्र उपकार जाखड़ ने लगे इन्होंने कैंपां विच पहुंच के लोगों की मुश्किलां सुनिया ते कैंपां दा निरीक्षण किया। इस मौके कौंसलर पूजा लुथरा सचदेवा ने संबोधन करदे कहा कि सूबा सरकार लोगों को एक छत हेठां ही बेहतर प्रशासनिक सुविधावां देने लिए इस तरह के कैंप ला रही। लोगों को अपील की है कि वध तो वध गिनती विच इन्हां कैंपां विच पहुंच के मिल रही 44 प्रकार दी सरकारी सेवावां दा लाभ लिया जाए। साढ़े CM सरदार भगवंत सिंह मान जी दिशा निर्देश अनुसार आपकी सरकार आपके द्वार के मुहिम के तहत जड़े ने कैंप लगाए जा रहे हैं, तो अज उस ही मुहिम के तहत असी अबोहर हल्के गिदड़ांवाली पिंड इतने पहुंचे। तो इतने जो पहुंचे तो लोग भरपूर इन्हां कैंपां का फायदा उठा रहे हैं, तो जो लोगों की समस्यावां ने वो भी सुनिया ने, तो मौके पर उन्हां दा हल भी पूरी तरह करवाया गया। तो मैं साढ़े CM सरदार भगवंत सिंह मान जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हाँ कि जो उन्होंने उपराला किया, तो अज उस उपराले सदका ही जी जनता दश्किलों उन्होंने घर आके सुनिया जा रहा है। हुशियारपुर दसूआ मार्ग ते पिंड घासीपुर नज़दीक एक हादसा होने की खबर है। जानकारी अनुसार बलैरो कार सवार पिंड हलका दसूहा के पिंड डडियाल के रहने वाले ने हमलेरकोटला एक विआह समागम च शामिल हो जा रहे सन। जदों वह पिंड घासीपुर को पहुंचे तो कुछ लोग अपनी मझां हाईवे से चला रहे सन, जिस दौरान एक मझ उन्हां दी गड्डी मूहरे आन कान गड्डी पलट गई। तो मौके पर राहगीरां ने परिवार को कार विचों बाहर कढ़िया। मौके पर तुरंत पुलिस ने पहुंच के जख्मियों को मुढ़ली सहायता उपरंत हस्पताल इलाज लिए भेज दिता। इस बारे जानकारी देंदे आम पुलिस मुखी निर्मल सिंह ने दसिया है कि कार सवार के बयान के आधार पर जांच शुरू करके अगली कार्रवाई अमल च लियांदी जाएगी। फगवाड़ा विखे WTO कानून के विरोध में किसानों ने केंद्र सरकार का पुतला फूकिया। किसानों का कहना है कि UAE में WTO कानून लागू करने की वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसका पूरे भारत के किसान विरोध कर रहे हैं ताकि किसानों को बचाया जा सके। उन्होंने कहना है कि बैठक में किसान विरोधी फैसले किए जा रहे हैं, जिस विच किसानों की सबसिडियां घटाने के फैसले ते कोई भी समान स्टोर करके किसी भी रेट पर बेचा जा सकता है, तो भारत को इस कानून से बाहर निकलना चाहिए। श्री गुरु नानक देव जी की चरण छोह प्राप्त धरती कस्बा डेरा बाबा नानक विखे गुरुद्वारा श्री दरबार साहब डेरा बाबा नानक की नवी बनी इमारत के गुंबद के उपर सोने दियां कलसियां लगाउण दी कार सेवा पद्म विभूषण बाबा सेवा सिंह जी खडूर साहब वालियां दी अगवाई हेठ शुरू कर दी गई है। इस मौके गुरुद्वारा श्री दरबार साहब के हैड ग्रंथी बाबा नछत्र सिंह जी वालों अरदास करन उपरंत रजिंदर सिंह मेहता जनरल सकत्र श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर के बाबा साहिब सिंह कार सेवा श्री खडूर साहब वालों वालों संगतों के सहयोग न सतनाम वाहगुरू का जाप करते हुए गुंबद के उपर बन के तैयार हुई 16 सोने दियां कलसियां लगाउण की कार सेवा शुरू की गई है। इस मौके बाबा सेवा सिंह जी खडूर साहब वालों दस्सिया कि इस गुरद्वारा साहब की नवी इमारत बनाउण उपरंत उस विच सोने की सुंदर पालकी सुशोभित की गई, जिस उत्ते संगतों के सहयोग न 4 किलो सोने की सेवा की गई है।
मंडल भाजपा कंधाला जट्टां दे प्रधान चरणजीत सिंह ने टांडा विखे हुए समागम दौरान उज्वला गैस कनैक्शन धारकां नूं मुफ्त गैस सिलेंडर भेंट किए। सिलेंडर भेंट करदे हुए मंडल प्रधान ने कहा कि मोदी सरकार वालों समाज के हर वर्ग के लोगों की भलाई लिए शुरू की वख-वख स्कीमां का लाभ हुण लोग प्राप्त कर रहे हैं। इस मौके उन्होंने भाजपा टीम के मैंबरों नूं मोदी सरकार वालों शुरू की गई वख-वख स्कीमां की जानकारी लोगों तक पहुँचाउण दा सद्दा भी दिता। सरबत दा भला चैरिटेबल ट्रस्ट के मुखी डॉक्टर एस पी सिंह ओबराई के सहयोग नाल पिंड सराबा विखे चल रहे श्री गुरु अमरदास अपाहिज ते बिरध आश्रम दे विच रह रहे मरीजां दे सेहतयाब होण दे लई श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का खंड पाठ करवाया गया, जिस विच विशेष तौर पर सरबत दा भला चैरिटेबल ट्रस्ट जिला इकाई के जिला प्रधान जसवंत सिंह छापा ने शिरकत करके बेसहारे लोगों का हाल चाल पुछया। जसवंत सिंह छापा ने दसिया कि इस बिरध आश्रम के 500 के करीब लोग रहिंदे ने, जिन्हां की सेवा संभाल नरंग सिंह मांगड़ के वलों की जाती है, जो कनेडा नूं छड्ड के इन्हां जरूरतमंद लोगों की सेवा करने लिए पंजाब विच आए ने। उत्थे उन्होंने दसिया कि इस बिरध आश्रम नूं सरबत दा भला चैरिटेबल ट्रस्ट वालों एक एंबूलेंस भी दी गई, जिस नाल बेसहारा लोगों नूं इस आश्रम तक पहुँचाया जाता है। इस मौके पर कनेडा की धरती उपर पंजाबी मां बोली नूं प्रफुल्लित करन सिंदरपाल सिंह सिधावां का विशेष तौर पर सन्मान भी किया गया। असी श्री गुरु अमरदास अपाज आश्रम जिहड़ा सराबे विखे आ सरबत दा भला चैरिटेबल ट्रस्ट डॉक्टर एस पी सिंह उन्हां वल्लों इत्थे अज आए हाँ, समागम होया साडा ते इहदे विच इह आ वी असी थोड़ी देर पहलां भराए साहब आए सी उदों एंबूलेंस भेट करके सी, हुण असी 25,000 रुपया हर महीने जिहड़ा इहनां दे ट्रस्ट दे खाते 'च पाउने आ दवाइयां वास्ते, ते अज इत्थे समागम सीगा। इह जिहड़े लोक ने 250 तों उत्ते बंदे ने जिन्हां कोई उग सोगी नहीं भी कित्थों दे रहण वाले ने, उन्हां दी सेवा निरंतर भाई साहब भाई नरंग सिंह जी जो मांगड़ साहब इत्थे कनेडा तो आ के जिन्हां ने शुरू करी सी वो करता इत्थे दा सारा सांभिया हुआ उन्होंने, ते अज उन्हां ने सरदार सतिंदरपाल सिंह जी सिद्धवां वाले कनेडा तो जिहड़े बहुत वड्डे कवि ने लिखारी ने कविशर ने उन्हां दा सन्मान करिया उत्थे, ते असीं डॉक्टर एस पी सिंह अभराई वल्लों पहुँचे हाँ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੱਲਦੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ, ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਨੌਰੰਗ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟਾ, ਇਹ ਆਸ਼ਰਮ 2005 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ 2005 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2005 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2009 ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਫਿਰ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਛੱਡਣਾ ਉਹ ਮੈਂ ਰਿਕਸ਼ਾ 'ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਮਰੀਜ਼ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਵਾਲੇ ਰੇੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਸਾਲ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਕਿੱਥੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਛੱਤ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ ਟਾਂਡਾ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਤੜਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਡੀ ਟਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਰਵਾਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਜਨ ਮੰਡਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨੋਹਰ ਭਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਮੰਦਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅਰਜਨ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵੱਲ।
इस नाल ही खबरों का सिलसिला इतने समाप्त होंदा है। नवीं ताज़ा खबरों के नाल फिर हाजिर होवांगे। तद तक लई दिओ इजाजत। धन्यवाद।